हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विवेक, आपका होस्ट, और आज एक छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे हम लोग। एक गाड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कभी जैसे होता है ना, आप घर के बाहर चले गए हो, गाड़ी आपकी पार्किंग में खड़ी है और आप स्टार्ट नहीं कर पाते हो, मीन्स बैटरी डेड हो जाती है। तो आज हमारे साथ वैसा हुआ है। 8-9 दिन से गाड़ी खड़ी थी अर्टिगा, मीन्स अभी उसको 1 साल हुआ है कंप्लीट, बट उसकी बैटरी डेड हो गई। तो मैंने ये ब्लॉग इसलिए बनाया कि आज मैं उसको गाड़ी को दूसरी गाड़ी से स्टार्ट करना सिखाऊंगा, कैसे हम स्टार्ट करते हैं। मीन्स जंप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जंप स्टार्ट से क्या है कि वो बैटरी बिल्कुल डेड है, मतलब उसमें पावर ही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ और कैसे हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज वो प्रोसेस बताता हूँ, बहुत सिंपल प्रोसेस है। बस आपके पास केबल्स होनी चाहिए, जंपिंग केबल जिसको हम बोलते हैं। मैंने अमेजोन से किस टाइम पर मंगवा के रखी हुई थी गाड़ियों में, तो आज मैं उससे स्टार्ट करके दिखाऊंगा दूसरी गाड़ी से। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मैं विवेक और आप देख रहे हैं डी ट्रांसपोर्टर्स। ये है गाड़ी खड़ी अर्टिगा, काफ़ी टाइम से खड़ी थी और इसकी आज बैटरी डेड हो गई है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे। देखो ये इसकी चाबी है और मैं देखो कोई आवाज़ नहीं आ रही, ना लॉक की ना अनलॉक की। और देखो गाड़ी लॉक है, अब इसको खोलते हैं। ये देखो खुल गया, ये देखो अभी इसकी चाबी डालूंगा। देखो चाबी पूरी ऑन है, और ये देखो क्लच दबा के स्टार्ट होती है ना, क्लच दबा दिया, वो देखो क्लच दबा है, और ये चाबी घुमाऊंगा, देखो कोई हलचल नहीं, और स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा। ये देखो यहाँ से देखो ये चाबी, ये देखो मेरी बैटरी डेड है, ऑन भी नहीं बज रहा, कुछ नहीं बजेगा। ये देखो लाइट, ये लाइट नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। तो ये गाड़ी 8-9 दिन से खड़ी थी, तो बैटरी इसकी डेड हो गई अड्डी का। तो आज हम इसको जंप स्टार्ट करेंगे किसी और गाड़ी के साथ, तो आज आपको ब्लॉग वही बताएंगे। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे इंडिगो के साथ, क्योंकि ये गाड़ी भी 8-9 दिन से खड़ी थी और बट ये स्टार्ट हो गई, क्योंकि डीजल गाड़ी इसकी बैटरी बहुत बड़ी है, ये अर्टिगा है इसकी बैटरी बहुत छोटी है, तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो आज हम इससे जंप स्टार्ट करेंगे इस गाड़ी को, और अब मैं केबल्स लेके आता हूँ। ये गाड़ी मैंने खड़ी कर दी ऑलरेडी, अब देखना कैसे स्टार्ट करते हैं और पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आप लोग देख रहे हैं डी ट्रांसपोर्टियों को, देखो साथ में कर दिया हमने, क्योंकि वायरें थोड़ी छोटी पड़ती हैं। वायर आई थिंक 1.5 मीटर लंबी है बट छोटी पड़ जाती है। अब देखो हमने क्या करना है, ये रेड वाले को पहले तो इसको थोड़ा दूर रखो, चला गया टच ना हो जाए, टच हो गया तो प्रॉब्लम। ये देखो ये इस बैटरी का प्लस है, रेड वाली को हमने प्लस में जोड़ा है, इसको हम अर्टिगा के प्लस में करेंगे। अब अर्टिगा का जो प्लस है देखो कितना बड़ा प्लस बनाया ना, बड़े ध्यान से, ये बैटरी में भी प्लस का निशान आपको मिल जाएगा। तो इसको हम इस प्लस पर जोड़ देंगे, जुड़ जा, जुड़ गया, ठीक है प्लस प्लस में। अब हम ब्लैक वाले को लेंगे और ब्लैक को ब्लैक में जोड़ेंगे। जो हम जोड़ेंगे ना तो ध्यान से कि ब्लैक वाला कहीं और टच ना हो जाए। ये है माइनस, ये देखो देखो माइनस, ये माइनस का निशान पड़ा ना, देखो ये माइनस, ये माइनस का माइनस में, अभी अर्टिगा का माइनस में, ध्यान से माइनस में, कहीं और टच नहीं करना बॉडी वूडी के साथ, नहीं तो स्पार्किंग उड़ जाएंगी। ये देखो इसमें करंट, हमने जोड़ दिया है। अब हम लोग इसको खोलेंगे और ये देखो बैटरी में करंट आना शुरू हो गया है। ये देखो आप देख रहे हो बैटरी में करंट आ गया है, और देखो सारा करंट वापस आ गया, डैट मीन्स कि बैटरियाँ अब शुरू हो गई हैं। अब मैं स्टार्ट करूँगा, ये लो जी गाड़ी स्टार्ट हुई होगी। अब इसी ऑन करके देखूँ, हाँ ये देखो ऑन भी बज रहा है। तो फ्रेंड्स यही था, आप लोग अगर कभी भी लगे कि आप फंस गए हो या आपको लगता है कि बैटरी गाड़ी स्टार्ट नहीं, तो जंप स्टार्ट से आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। और अब मैं इसको वही 10 मिनट तक गाड़ी को स्टार्ट रहने दूंगा, स्टार्ट होने से क्या है कि बैटरी की पूरी पावर वापस आ जाएगी, और फिर अब हम लोग इसकी केबल्स को निकाल देंगे। तो बस ये सिंपल सा प्रोसेस है, और इसमें वो नहीं, अगर देखो मेरे पास केबल्स नहीं होती है वाली जो मैंने अभी आपको दिखाई, तो फिर मेरे को क्या गाड़ी को धक्का मारता, या मैं बैटरी निकालता, या दूसरी गाड़ी की बैटरी डालता, नट बोल्ट खोलता, तो बड़ा लंबा चक्कर पड़ता है। तो सबसे बेस्ट रहता है कि आप लोग ये केबल्स गाड़ी में रख छोड़ो और वो सही रहता है। अब जब बिजली स्टार्ट हो गई, अब 10 मिनट तक स्टार्ट रहने दूंगा, फिर इसमें सारा करंट गाड़ी में वापस आ जाएगा। ये देखो दिख रहा है, अभी स्टार्ट हो गई है बस, अब काम हो गया,
फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने कैसे गाड़ी स्टार्ट की। तो सिंपल प्रोसेस है, कभी भी ऐसा होता था पैनिक नहीं होना है। ये जंप केबल्स जो मैंने आपको दिखाई अपने साथ, आप हमेशा गाड़ी के डिक्की में रख छोड़ो स्पेयर में। मैंने भी ऐसे लेके रखी थी, हमारे पास तो गाड़ियों का काम है, बट मानोगे नहीं, जंप केबल्स मेरे को तीसरी बार काम में आई है, मीन तीसरी बार उनका हेल्प हुआ है। तो उसमें क्या होता है, गाड़ी में रख छोड़ो, कभी जूट सुना 500 रुपये की, 550 की अमेजोन से मिल जाती हैं, अच्छी रहती हैं और 1.5 मीटर तक इनकी लंबाई होती है। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी अर्टिगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी कि किसी बंदे को बुलाऊं मुझे धक्का दे, ये कर वो कर, एक्स वाई जेड कर, और ये देखो गाड़ी आराम से स्टार्ट हो गई। अब बस अब कुछ नहीं करना, अभी केबल्स मुझे हटा देनी है, ये दोनों केबल्स मैं हटा दूंगा, और ये गाड़ी देखो ये हटा दिया, ये रेड यहाँ से हटा दिया। अब एक जब भी तारे हटाओ ना तो कोशिश करना कि कहीं टच ना हो जाए, कहीं अगर टच होंगी ना तो फिर ये स्पार्किंग पैदा कर देगी। ये मेरी रेड वाली हट गई, अब ये ब्लैक वाली भी हटा दो, बेशक इसे ग्राउंड में रख दो, और यहाँ से ये भी हटा दो। बस इतना सा प्रोसेस था, ये हो गया। और उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो आप लोग कभी भी कहीं फंस जाते हो, कहीं गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, तो आप लोग गाड़ी को इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग देख रहे थे डी ट्रांसपोर्ट चैनल, एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग का, सिर्फ उस केस में कि कभी आप फंस जाते हो तो गाड़ी को कैसे स्टार्ट करना है। तो आज ये छोटा सा ब्लॉग था जो मैंने बनाया। प्लीज़ बने रहिए मेरे ब्लॉग में, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू थैंक यू थैंक फॉर वॉचिंग।